आ जाओ भाई। वारिस भाई आपको कितनी मरतबा बोला है कि इनको बाहर रखा करो, और इनको भी शर्म नहीं आती, ईद के दिन में मांगने आ जाते हैं। अब इनको कुछ दो और भेजो बाहर। आप इधर बैठो और परेशान मत हो, भाई हैं गुस्से वाले, मैं भी आता हूं। बस सारी तैयारी मुकम्मल है, बस आप लोग पहुंचो। इजाज भाई, इजाज भाई, इजाज भाई। खैरियत तो है यासिन भाई, चिल्ला क्यों रहे हो? ये हमारे बड़े भाई वारिस ने क्या तमाशा बनाया हुआ, इसे आप समझाते हो या मैं समझाऊं? यासिन भाई बताओ तो सही, हुआ क्या है आखिर, कोई बात तो बताओ। अब क्या ये फकीरों को घरों में बैठाएगा? मैंने इसे कहा भी था कि ईद के दिनों में मेरे मेहमानों ने आना, वो है किधर? भाईजान एक वाइट कॉटन का सूट कर दें और एक ब्लैक, साथ में एक टॉवल भी कर देना। हेलो जी भाई, मैं बाजार हूँ। जी जी मैं अभी आया। यासिन भाई आओ बाहर हम बैठते हैं, बड़ा भाई आता है तो हम उसको समझाते हैं। मुझे यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो मैं घर बिठा कर आया था। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई हो। क्या हुआ तुम्हें, किसी ने कुछ कहा है? जब मैं अंदर बैठा हुआ था तुम्हारा भाई मेरी वजह से अपने छोटे भाई से लड़ रहा था। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। तुम इधर बैठो, मैं अभी आ रहा हूं। लो आगे जनाब, पूछो इनसे। अरे भाई वे कौन है लड़का जो आपने अंदर बिठाया हुआ है और आपके हाथ में क्या है? छोटे भाई मैं कब्रिस्तान गया था और वहाँ मुख्तियार भाई अजीत का तीसरा दिन है, घूमने फिरने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ वारे भाई मैं वह ना अपने दोस्तों लाल पिंडी आज। सही है। मुख्तियार ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यार मैंने लगता है इन्नू आ रही है। हाँ वो लड़का बैठा हुआ है। आज चलते हैं। अब्बा आपके जाने के बाद मुझसे किसी ने अच्छे तरीके से बात तक नहीं की। अब ईद आने वाली है, सब बच्चों ने कपड़े लिए हैं, मैंने नहीं लिए। आप उठे और मुझे नए कपड़े लेकर दें। आओ भाई भी उठो मेरे साथ चलो। माजरत भाई मुझे पता नहीं था, मुझे अभी बड़े भाई ने बताया है, मैं उसे गलत समझ रहा था। ये रहा आपका ईद का सूट। ये लो भाई जान, ये मेरी तरफ से ईद। ईद की खुशियों में जहां हम अपनी खुशियों का ख्याल रखते हैं, वहीं हमें चाहिए कि हम दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखें। ख़ास तौर उन लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, ताकि वो भी इस दिन को मना सकें। दोस्तों ईद आने से पहले एक मरतबा अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें। अगर आपको ये हमारा मैसेज अच्छा लगा हो तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।